नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत इसीपुर में। और इसीपुर में जैसा कि हमारे इस फ्रेम में देख रहे होंगे खिलाड़ियों को, ये युवा खिलाड़ी हैं और पहली बार भागलपुर जिला के लिए ये पहली बार ऐसा है कि जो सबके हाथ में हॉकी दिख रहा है। ये हॉकी हम लोग सिनेमा में देखा करते थे और यहाँ के लोग अगर देख रहे हैं हॉकी को तो वही फिल्म की बात याद आती है। सर वो फिल्म कौन सा था? चक दे इंडिया। हॉकी को देखने के बाद चक दे इंडिया, लोग समझ ही जाते होंगे कि उसके दिमाग में एक ही बात आता होगा, चक दे इंडिया। तो आज इसके बारे में बताने वाले हैं कि बिहार में भागलपुर हमको लगता है कहीं ना कहीं पहला स्थान हासिल करने वाला है इस बार स्टेट चैंपियनशिप में सर, क्योंकि यहाँ से ये सिलेक्ट हो चुके हैं खिलाड़ी। यहाँ से लगभग कितने खिलाड़ी चयनित हुए हैं सर? ऐसे तो 18 होते हैं, लेकिन खेलेंगे 11 खिलाड़ी खेलेंगे मुजफ्फरपुर में और 18 यहां से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हॉकी जो राष्ट्रीय खेल है इसका प्रचलन कहीं ना कहीं समाप्ति के कगार पर है। हॉकी लोग खेलना उतना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसमें होता क्या है कि इनसे पैर भी टूटने की संभावना अधिक होती है। और कभी कभी होता है ना कि 1928 से इसका प्रचलन है और 1928 से लगभग 8 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल लाकर एक इतिहास, एक कीर्तिमान स्थापित किया इंडिया ने, जिसके कारण इसको पहला स्थान इसको दे दिया गया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को बना दिया गया। तो आज उस संदर्भ में बात करने वाले हैं युवा खिलाड़ियों से, आखिर किस तरीके से इन्होंने हॉकी में प्रदर्शन किया जिला स्तर में और यहाँ से चयनित होकर स्टेट में जाएंगे, स्टेट में जाने के बाद फिर नेशनल में जाएंगे और ये कीर्तिमान स्थापित कर देंगे भागलपुर के लिए। तो आइए इन खिलाड़ियों से बात करने से पहले हम बात करेंगे इनके कोच से और किस तरीके से इनके कोच ने इनको प्रशिक्षण दिया और किस तरीके से इन्होंने खेला और कैसा प्रदर्शन रहा जिला में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केवल भारत टीवी समाचार में। धन्यवाद। आज हमारा जो ये टीम जो देख रहे हैं हॉकी का जी, का कुछ काम बच्चे आए हैं क्योंकि अचानक उनको जानकारी प्राप्त हुआ, कुछ काम में थे। तो आज ये जो हमारे इसीपुर इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय की टीम है जहाँ की हमने पढ़ाई किया है जी, और ये हॉकी का जो एक दायित्व तो हमें मिला है सेक्रेटरी के रूप में पीरपैंती का, और हमने स्टार्ट किया। हम लोगों ने प्रेरणा कहा कि राज्य स्तरीय खेल, राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और हॉकी क्या होता है ना, ये बड़ा था महंगा, आपने जो बोला कि पैर में लग जाता है, चोट लग जाता है, कौन ऐसा खेल है योगेश जी कि जिसमें गिरकर हाथ नहीं टूट जाए, पैर नहीं? खेल का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं अंदर से जो मतलब कहिए तो जिंदगी है तो जोखिम है, जोखिम है। तो आज किसी भी खेल को लिया जाए तो हर जगह कबड्डी ही खेलते हैं तो क्या लगता है कि हाथ नहीं टूट सकता है, गोड़ नहीं टूट सकता है? लेकिन आज हॉकी में एक स्टिक खरीदना होता है तो 1000 से लेकर 1800-2000 कम से कम हम बता रहे हैं। आज चूंकि सरकार खेल के प्रति जितना जागरूक हुआ इस बार, हमको लग रहा है केंद्रीय सरकार जो आज खेलो इंडिया खेलो इस तरह से बात हो रही है, बच्चे केवल पढ़ाई के पीछे भागे जा रहे थे और अस्वस्थ। आज जो पहले की समय था जो सुबह में लोग खेल के द्वारा कबड्डी हुआ, हॉकी हुआ, पहले खेलते थे लोग, लेकिन आज पतन की ओर है खेल। लेकिन आज केंद्र सरकार या राज्य सरकार का जो खेल पढ़ाई के साथ खेल पर भी ध्यान है और इसमें वैकेंसियां भी आ रही हैं, तो इससे साबित ये हो रहा है कि आज हम लोग क्यों नहीं ऐसा खेल को चुने जो कि मेरा राज्य से जुड़ा हुआ है। तो हमने एक मार्गदर्शक का काम किया, स्कूल लेवल का खेल भागलपुर में हुआ और हमने इसकी तैयारी करवाई और हमारे जो मार्गदर्शक जो रहे हमको बताने का जो काम किए, राजेश कुमार शाह जो भागलपुर के वो सचिव हैं भागलपुर जिले के और बिहार लेवल के भी सेक्रेटरी हैं, तो निश्चित है उनके द्वारा हमें प्रेरणा मिली और हमने इस बच्चों को तैयार करने का काम किया है और इसे हमको लगता है कि इसमें विद्यालय का काफ़ी सहयोग रहा, विद्यालय के कोष से, बालचर कोष हो या जो भी कोष से, जिला पदाधिकारी का चिट्ठी के द्वारा इन लोग को भागलपुर जाने का सारा खर्च मिला, आने जाने, खाने पीने, टी शर्ट। और चूंकि स्टिक अच्छा यहाँ नहीं मिल पाया, तत्काल मैच में जाना था तो 150 रुपये का किसी तरह से
ये लोग को दिया गया, लेकिन ये लोग को प्रैक्टिस के दौरान ही टूट गया, क्योंकि कोस्ट यहाँ वैसा ही मिल रहा था। लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक या अन्य कर्मचारी ने कहा कि जो भी शुल्क लगे बच्चों को मजबूत देना, लेकिन उस तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ हॉकी खेल खेलता ही नहीं तो कोई दुकानदार नहीं रखता है। और आज परेशानी की बात यह है कि ये लोग के पास हॉकी नहीं है, जिसके कारण मैच भी में जाना है, पहले के कुछ हॉकी व्यवस्था करके ले जाना है। लेकिन हम चाहेंगे कि हर जगह पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और पैसा कैसे फंडिंग होगा तभी कुछ आगे हम लोग बढ़ सकेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं सर, इनके पेरेंट्स मना तो नहीं करते हैं? पहले बताया जाता है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अभी सरकार खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब कहती है सरकार। और सरकार अभी बोल रही है कि सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ खेल के माध्यम में। देखिए अभी देखिए योगेश जी, आज देखिए अधिकतर रेलवे में हमने देखा है कि ग्रुप डी हो ग्रुप ए हो या किसी अन्य में कोई अच्छा फुटबॉलर है और वो नेशनल खेला है तो उसकी नौकरी लग गई है। और बहुत ऐसा आज, और हमको लगता है कि राष्ट्रीय खेल है और सरकार केंद्र सरकार की नज़र है कि खेलो इंडिया खेलो का हर जगह उसका ब्रांच हो, उसके माध्यम से भी बच्चे आगे बढ़ें। और हमारा चूंकि यहाँ ये गांव है, झारखंड बिहार का बॉर्डर है, यहाँ के बच्चे मजबूत हैं, और हमें विश्वास है कि जो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं ये सेलेक्ट होकर आएंगे, क्योंकि उनकी अंदर की जो एनर्जी देखते हैं, इनके अंदर की जो जुनून देखते हैं, इससे हमको लगता है। आज हम इन लोगों के पीछे समय देते हैं तो मात्र एक ही उद्देश्य है कि ये लोग आगे बढ़े। और हमारे इसीपुर हाई स्कूल जहाँ के मैंने बचपन पढ़ाया, उस स्कूल का नाम सम्मान को बढ़ाए ताकि हम लोग को गौरवान्वित महसूस हो, और इनके माता पिता भी जो इनको आगे बढ़ाने के खेल के माध्यम से, तो उन माता पिता को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँगा, धन्यवाद दूँगा। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबके विद्यार्थी के आपके स्टूडेंट के हाथ में हॉकी है, ये ट्रेनिंग मिला कहाँ से सर इन लोगों को, जबकि हॉकी का प्रचलन कहीं ना कहीं समाप्ति के कगार पर है, कहाँ से दिया आप? देखिए थोड़ा बहुत जो हमको जानकारी था मार्गदर्शन दिए, बाकी ये लोग साइंस के विद्यार्थी हैं और सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से, कभी यूट्यूब कहा जाता है ना पढ़ाई और खेल, तो आज यूट्यूब के सहारे प्रयास कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि सर हम लोग जीत के, ये लोग का कभी जज्बा देखते हैं तो लगता है, हम बोले कैसे, तो बोले कि ट्रेनर मंगाना होगा तो 5,000 से लगभग 8,000-10,000 खर्चा है, तो हम लोग पास कोई फंड ऐसा नहीं है कि ट्रेनर मंगवा के ट्रेनिंग दिया जाए। पटना से वो उसका ट्रेनर आते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पर उनको एक सप्ताह रखना होगा, उसके लिए खर्च है, उसको 5,000-7,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा उनके पीछे, उतना फंडिंग नहीं है। तो तत्काल ये लोग कर रहे हैं, अगर कोई दानीदाता मिल जाए, हम तो प्रयास करते रहते हैं कहीं कोई दानीदाता मिल जाए और हमारे संस्था जो इसको हमारा जो खेल का जो ये टीम है हॉकी का, इसको कुछ फंडिंग कर दे या कोई स्टिक दे दे इसको, या कोई किसी के पास रखा हो पुराना, तो अगर सहयोग करना चाहें तो हमारे इस बच्चों को जो यहाँ पर कहा जाए कि योगी वीर पहाड़ के जस्ट बगल में है, इसीलिए हम कह सकते हैं योगी वीर, एक योगी वीर स्पोर्ट्स क्लब कह के एक हमने नाम रखा है कि ताकि आगे इनको खिलाया जा सके, कहीं फंडिंग किया जा सके। और ये बच्चों को पैसे की ज़रूरत नहीं, अगर आप उस सामान दे दें है ना, उसका बहुत सारा चीज़ आता है किट्स हॉकी से जुड़ा हुआ, वो ही मिल जाए तो निश्चित है कि बच्चे हमारे आगे तक जा सकते हैं। अभी मैंने बच्चों के कोच से बात किया, अब चलिए बच्चों से बात करते हैं आखिर इन्होंने किस तरीके से हॉकी का जुनून अपने अंदर लाया और किस तरीके से जिला स्तरीय हॉकी का प्रतिनिधित्व किया, और उनके कैप्टन जी से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमनाथ राजा है। सोमनाथ जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हॉकी का जो प्रचलन है कहीं ना कहीं समाप्ति के कगार पर है, आपके मन में कैसे आया? हमें हमारे कोच ने बताया कि हॉकी हमारा राष्ट्र खेल है, हमें तो पता ही है, परंतु इसके बारे में हमारे मन में एक उत्साह जगाने का काम हमारे कोच सर ने किया है। उसके बाद हमने अपना एक टीम तैयार किया, हमने अपना प्रैक्टिस शुरू किया, हमें खेलने में और मज़ा आया, और हमारा राष्ट्र खेल होने के बाद हमें गर्व महसूस हुआ, तो हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके जो कोच साहब अभी बोले कि आपके लिए फंडिंग करना चाहते हैं सर, तो आपके पेरेंट्स क्या कितना सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से? हमारे पेरेंट्स का तो हमारा साथ पूरा सहयोग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाओ मनोरंजन के तौर पर खेल के आ जाओ, जीत लिया तो बल्ले बल्ले है, जैसे अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, जो वायरल हो गया तो हीरो हो गया? नहीं, वैसा बात नहीं है। उनका कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है।
जी, ये ऐसा संस्कार होते हैं हमारे खिलाड़ी का। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ जी आपको। धन्यवाद। चलिए और भी खिलाड़ी से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे हॉकी के बारे में। हॉकी हमारा राष्ट्र खेल है, अच्छा खेल है, खेलने में अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुर मिश्र है। अंकुर जी, अभी आपका उम्र कहीं ना कहीं बहुत कम है, आप हॉकी हाथ में पकड़ लिए हैं। हॉकी अगर निकालते हैं लोग तो उसको एक अलग निगाह से देखा जाता है कि ये लड़का बिगड़ गया है, अब मार करेगा। क्या आप क्या कहना चाहेंगे जी? हमारे समाज में ऐसा प्रचलन है कि अगर हॉकी ले आया है कहीं मारपीट करने के लिए जा रहा है, कहीं कुछ है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों ने नहीं देखा है कि हॉकी एक खेल भी है जी। हमारे समाज में ऐसा नहीं, कभी किसी को देखा नहीं गया है कि कोई हॉकी खेल रहा है। ये तो हमारे आपसे कभी कोई पूछे हैं ग्रामीण की ये हाथ में क्या है जी? जी हमसे पूछे हैं तो हम बताते नहीं कि चक दे इंडिया है जी। हम बोलते रहे हैं, हमसे पूछा गया है तो हमने कहा है ये तो हमारे कोच श्री मुकेश सर का ये हम पे वो है कि उन्होंने हमें सब बताया कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, इसमें आप लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, आप लोगों को खेलना चाहिए। इसके लिए मैं अपने मुकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें सिखाया, बताया और हमें भागलपुर तक ले करके गया। और धन्यवाद हम आपको देना चाहेंगे कि इतना कम उम्र में हॉकी पकड़ लिए। आपका नाम क्या है? आदित्य नारायण। आदित्य नारायण जी, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आप अपने उम्र के युवाओं को बोलिए कि हॉकी खेलने से क्या होता है और कहाँ से चयनित हुए हैं, कहाँ के लिए? हॉकी खेलने से हमारे शारीरिक मानसिक सबका विकास होता है। और दूसरी बात, हॉकी हम लोग भागलपुर खेलने गए थे, वहाँ पे कोई दूसरा प्लेयर हम लोग के लिए नहीं आया था, तो हम लोग का वहाँ चयनित हुआ, जो कि हम लोग राष्ट्र लेवल पे खेलने जा रहे हैं, राज्य लेवल पे खेलने जा रहे हैं। चलिए बधाई हो आपको, आप जीत के आइए। आपका नाम क्या है? आयुष कुमार गुप्ता। आयुष जी, अभी बताइए हमारे दर्शकों को, यहाँ के प्रतिनिधियों को आप संदेश दीजिए कि आप इतने कम उम्र में हॉकी जो पकड़े हैं, आप लोगों को नेताओं के तरफ से क्या सुविधा मिल रही है? अभी तो सुविधा कुछ नहीं मिला है हॉकी, क्योंकि हॉकी का प्रचलन ही नहीं है, उतना नहीं है। अगर इस खेल को आप लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस इलाके पर? इलाके वाले जानेंगे कि जीत के आया है तो अगले बार फिर से तैयारी करके जाएंगे। अच्छा, अभी तैयारी नहीं किए हैं? फर्स्ट हम लोग ही हैं। अच्छा, चलिए आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान, ये लड़के संस्कारी हैं, इसको मैंने देखा। और अरमान जी से हम बात करना चाहेंगे कि खेल में इनकी रुचि कब से जगी, कब से आप खेलना शुरू किए हॉकी या कोई भी गेम? कोई भी गेम तो हम जब 10th एज के थे तब से मैंने। अभी किस क्लास में है? अभी तो 10th में। अच्छा अच्छा, 10th में जब 10 एज के थे तभी से तो मेरा हुक था क्रिकेट खेलने का। फिर उससे डेवलप होते गया, चेंज होते गया, फिर इधर कबड्डी सब ये सब, तो इसके बाद जो हॉकी जो फर्स्ट है और आगे जाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक कुमार। आलोक जी, आप हॉकी के बारे में दो शब्द रख दीजिए ताकि यहाँ के लड़के हॉकी के बारे में जान सके और हॉकी खेलने के लिए उत्सुक हो और हॉकी खेलकर अपना एक अलग छाप छोड़े इस इलाके में। हॉकी एक काफ़ी बढ़िया खेल है और ये भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, इसे सबको खेलना चाहिए। हम लोग इस भागलपुर इलाका के पहले हॉकी टीम है, तो अगर हम मुजफ्फरपुर में जीतते हैं तो आपको भी हमें देखकर हॉकी खेलना चाहिए और सबको प्रेरणा करनी चाहिए हॉकी खेलने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रहलाद कुमार है। आप खेल में क्यों आए? अभी पेरेंट्स तो सपोर्ट नहीं करते हैं खेल में? पूरा कर रहे हैं सर। कर रहे हैं, ये प्रेरणा कब से जगी आपको? ये प्रेरणा पहले मुझे क्रिकेट अच्छा लगता था, लेकिन हमारे कोच ने जब इसे उठाया गया तो हम लोग मेरे कैप्टन ने तैयार किया कि मुझे टीम बनाई गई, तो उसमें मैंने आए भाग ली। आप क्रिकेट खेल रहे थे? यस सर। हॉकी में कैसे आ गए? हॉकी में मेरे कैप्टन ने बताया कि एक अच्छा खेल है, ये राष्ट्रीय खेल है, तो इसमें मैंने भाग ली। मतलब इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, भागलपुर में ऐसे ही जीत जाएंगे? नहीं, कहीं ये सोच के तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। दोस्तों, आज हम उपस्थित है भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत इसीपुर में। सर, आप खेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ के युवा अभी फिलहाल नए नए उभरे हैं हॉकी टीम को लेके, हॉकी खेलने जाएंगे स्टेट लेवल पर, इनको क्या बधाई देना चाहेंगे? मैं कुलदीप कुमार यादव, DLA शिक्षा महाविद्यालय से। हम सभी खिलाड़ियों को शुभकामना मेरी तरफ से। ये हॉकी के क्षेत्र में यहाँ पर जो कोच के रूप में मुकेश आजाद सर हैं, कार्य कर रहे हैं, इस क्षेत्र में प्रत्येक विद्यार्थी को हॉकी के क्षेत्र में उत्सुक करके उनको अच्छे गाइडलाइन के आधार पर, अच्छे गाइडलाइन देकर
आज पीरपैंती प्रखंड का नाम और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं विद्यार्थियों को शिक्षा देकर, और विद्यार्थी भी कोच का उतना ही सहयोग कर रहे हैं जितना मुकेश सर विद्यार्थियों का कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे मिलकर पूरे कार्यक्रम को सफल बनाए, आज यहाँ तक सारे स्टूडेंट, सारे खिलाड़ी जिसे कह सकते हैं हम लोग, यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, जिससे कि पीरपैंती प्रखंड बदलूगंज ये स्थान है बाराहाट, यहाँ का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन खिलाड़ियों के लिए, धन्यवाद। सर, DLS शिक्षा महाविद्यालय के शिक्षक से मैंने बात किया, बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप इस खबर को जहाँ से भी देख रहे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बाकी खबरों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।